तो बिपाशा नाम किसका है फिल्म में? मैडी मुझे बचाओ, नॉट बजाओ, बचाओ. What am I saying? All right, great note. The freshly minted Bipasha Basu. Somebody say yay. Yay! Oh God! Nothing else. And of course the very handsome, suave, bearded, much boringly committed. उनकी फिजिकल ट्रेनर है अभी मैं कोशिश कर रही हूँ. What is happening? Madhavan, your knees are hurt. You can't exercise, so you can't eat this. Yeah. So that's what I want to know. क्या ये शुरू हो गया है? हाँ. हाँ यार. शुरू हो गया. जब से फिल्म शुरू किया था हमने, तब से ये पूरी कोशिश लगा कर रही है कि मैं वापस पतला हो जाऊँ और मेरे घुटने ठीक हो जाएं और मैं बिल्कुल सिक्स पैक लायक हो जाऊँ. तो कोशिश तो है. नहीं, प्रॉमिस भी है कि अगली पिक्चर जब करेंगे तब तक सब एकदम फिट एंड कंफर्टेबल विथ हिज क्यूट. आई डोंट वांट हिम टू बी कंफर्टेबल. ही इज वेरी क्यूट. आई नो, टेलिंग यू, इट्स नॉट द सिक्स पैक दैट काउंट्स. यू डोंट वांट अ सिक्स पैक. वी आल्सो वाज वेटिंग टू बी ब्रोकन. हां, वी गॉट अ टेस्ट फॉर यू बेबी. यू हैव टू ब्रेक समवनस जोड़ी इन जस्ट लाइक. बट आर दे अनहैप्पी? या या, ओके. वी वोंट. आज वैलेंटाइन, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करना चाहते हो? हां यार, बहुत पकाती है, 4 साल से पका रही है. मीट बिपाशा एंड माधवन. हाय 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 बिपाशा. हाय, हाउ आर यू? मेरे को तो हाय नहीं बोलेगा. अबे ओए, इसको हाय नहीं बोलेगा? अपना माधवन भी है ना. हाय माधवन. हाय भाई. बस बिल्कुल ठीक हूँ. गाना उसने बिपाशा देखा है इसलिए वो तुम्हें हाय बोल रहा है. मैं बस बोल रही हूँ. पर तुम जानते हो कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, पर एंड में देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने उनको ये नहीं बोलने चाहिए मैं गाड़ दूंगा या गाड़ दूंगी. ऐसे नहीं, नहीं यार, ये बहुत लोगों ने ट्राई किया है. मुश्किल है. मुश्किल. हाँ तो हाँ बताइए कि प्रॉब्लम क्या है बॉस? प्रॉब्लम ये है कि यार डिनर पे जाते हैं तो मम्मी को ले आती है, बात बात पर होती है. मतलब मैं बोर हो गया हूँ यार. मतलब आई अंडरस्टैंड के मतलब रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट एंड ऑल, लेकिन यार ये बात बात पे रोना, मम्मी को साथ ले आना सब जगह. और आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है तोड़ने लायक है क्योंकि आप बिल्कुल ना खुश है इसमें? हाँ, जोर से तोड़ने लायक है, जोर से. तो आप खुद ही क्यों नहीं कह पा रहे उनसे? नहीं नहीं, किसी क्या है, जब भी करने जाता हूँ तो मम्मी ले आती है, फैमिली सीन हो जाता है. तो यार एक बात बताओ, तुम लाइन कैसे मारे? उसकी मम्मी हमेशा साथ में होती तो आपने लाइन कैसे मारा? मैं ये जानना चाहता हूँ यार कि क्या आपने मम्मी के होते हुए लाइन मारा था या कैसे पटाया आपने उसको? कॉलेज के टाइम पे मम्मी थोड़ी कम थी. हाँ, कॉलेज के बाद जरा मम्मी जोर से आ गई है. अच्छा, साउंड वेरी टायर्ड. तुम कुछ पूछना चाहोगे? लड़का है, आस्क हिम नाउ. मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ ये सिचुएशन से, बिकॉज अगर मुझे लगता है कि कोई भी जो रिलेशनशिप में खुश नहीं है, सबसे बड़ी चीज होती है ऑनेस्टी. आप बोलिए और निकलिए. आई एम वेरी टेंस्ड. हम लड़की को फोन करते हैं. हाँ, और जानते हैं कि उनकी तरफ से ये क्या, वो क्या महसूस करे. लेकिन नाउ हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फोन करते हैं. डू यू थिंक इफ माधवन सेज आई एम माधवन, बिपाशा सेज मैं बिपाशा, और तुम दोनों की बात कराने की कोशिश करें, आपकी ये चैसी लड़की एटलीस्ट ये तो समझ पाए कि प्रॉब्लम है मम्मी के साथ आने से? शट अप. अच्छा, अगर ऐसा होता तो मैं फौरन तोड़ दूंगा. आयशा. हाय आयशा, मैं रेड एफएम 93.5 से मलिष्का बोल रही हूँ. हरे, वेरी गुड. बिटवीन बॉम्बे गर्ल, हाउ आर यू बेबी? आई एम गुड, आप कैसी हो? बहुत सुंदर हूँ. हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू. थैंक यू, आपको भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे. अच्छा, आप मुझे बताओ, लाइफ में तुम्हारे बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ. कितने स्वीटली यहाँ बोल रही हूँ. ओके, और तो आपको कैसे पता? नहीं, ओके, आई टेल यू, देयर इज अ रीजन जो हमने तुम्हें यहाँ पे फोन किया हुआ है. क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने हमें फोन करके बोला हुआ. वेल, राइट नाउ आई लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस टू गेस्ट आई हैव इन द स्टूडियो विद मी. वन मिनट, एक मिनट, आई से योर रियल नेम्स. ओके, मेरे साथ जोड़ी ब्रेकर्स फिल्म की लीड पे आई हैव गॉट बिपाशा बासु एंड माधवन विद मी इन द स्टूडियो. बॉलीवुड की फैन लगती हो. हाय आयशा. आपका जैसा होना चाहिए. मैंने आपकी मूवी इतनी बार देखी है ना, मेरे तेरे दिल में
I mean, I can't believe that. Hey, thank you, Aisha. हम आज तो एक खास काम के लिए आपसे हम बात करने वाले हैं और हमें लगता है कि हम आपको खुश देखना चाहते हैं. Yeah. बहुत खुश देखना चाहते हैं. आपसे बात होगी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ. क्या बात है, फिर हो गया यार, आप खुश कर दिया, वो खुश कर दिया हमने. क्या चाहिए माधवन, पॉइंट पे हमने एक काम के लिए फोन किया है. हाँ बताइए क्या काम है. माधवन तुम अभी मुकर रहे हो. मैं मुकर रहा हूँ उसका. हेलो. अच्छा आपके बॉयफ्रेंड का नाम बताइए. सिद्धार्थ. ओ पता है आपको, मेरे फिल्म में भी नाम मेरा सिद्धार्थ ही है. मुझे पता है, मुझे सब पता है, आपकी सब मूवीज के बारे में पता है. इनफैक्ट एक रीजन ये भी है कि मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा सा आपका जैसा लगता है. यार यकीन मानिए, कि आप नहीं मिले तो मैंने सोचा और नहीं मिलूं. नहीं नहीं यार यकीन मानिए, वो बिल्कुल मेरा जैसा नहीं है. अच्छा एक बात करी थी आपसे आयशा. वो ये है कि आपके बॉयफ्रेंड की एक छोटी सी शिकायत है. ओके. और वो कहते हैं कि वो आपको ठीक तरीके से नहीं जान पाते हैं क्योंकि वो आपके साथ कभी अकेले में नहीं मिल पाते. क्या ये सही है? नहीं तो मैं तो रोज मिलती हूँ उनसे. रोज ही मिलती है ना. हाँ? तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे यार इस लड़की से मिलनी है लेकिन वो अकेले कभी नहीं आती. हाँ क्योंकि मैं थोड़ा दूर रहती हूँ ना, तो मेरी मम्मी मेरे साथ में आती है. मेरी मम्मी को भी वो बहुत पसंद है. अच्छा हाँ, तो ये उनके लिए शिकायत है उनकी तरफ से कि यू नो कि यार मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ, इससे जानना चाहता हूँ, मैं आयशा से आयशा को जानना चाहता हूँ. होता ये है कि मैं रोमांटिक डिनर जो है उनकी मम्मी के साथ कर बैठता हूँ. पर ऐसा नहीं है, मतलब मम्मी तो मेरे को कभी नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि वो मम्मी आते हैं तो मैं देखती हूँ वो मम्मी से बहुत अच्छे से बात करते हैं. इनफैक्ट मेरी मम्मी भी बहुत कूल है और मम्मी को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उनसे डेट कर रही हूँ. अच्छा अच्छा, तो सिद्धार्थ को मैं लाइन पे ले आऊं. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ. अच्छा बिपाशा आप कुछ कहना चाहिए. हाँ बिपाशा कम ऑन, आई थिंक आयशा. या आयशा डेफिनेटली अगर दो जन एक रिलेशनशिप में हो, आपके बॉयफ्रेंड है, बहुत जरूरी होता है कभी कभार, चाहे आप दूर रहे या जो भी हो, आपको थोड़ा वक्त अपने फ्रेंड्स पेरेंट्स से अलग करके अपने रिलेशनशिप को देना चाहिए, ताकि यू नो यू कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर. थोड़ा वक्त तुम्हें सिद्धार्थ को समझने के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि हर बात सिर्फ एक बुजुर्ग के प्रेजेंस में हो नहीं पाती है. करेक्ट. रोमांस रोमांस मम्मी का हाथ पकड़ के करोगी क्या? लेकिन अनुष्का मेरी मम्मी अलाउ नहीं करती, और जितना बात जो विपाशा बोल रही है समझने की, हम फोन पे मैं फोन करती हूँ जब वो ऑफिस में होता है 4-5 बार, हम घंटों घंटों बात करते हैं. बट इट इज नॉट पॉसिबल मम्मी, मुझे अकेले नहीं था. तो एक बार बता दो मैं आपको एक. अरे सुन यार. ओके लिसन लिसन डोंट क्राई. हेलो सिद्धार्थ. आई एम सॉरी. डोंट व्हाई यू क्राइंग बाबा. लेकिन मेरे को कभी नहीं बोला उसने ये सब चीजें, और मुझे बहुत अच्छी से बात करता था. आयशा आप मेरी बात सुनिए. देखिए आप मुझे बहुत ही स्वीट लड़की लगती हैं, आप बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही स्वीट दिखती हैं. मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा. अगर कोई इंसान आपके बारे में ये हमसे रेडियो पे फोन करके कहता है, तो क्या ये आपके लिए क्या ये आपको उतना रिस्पेक्ट देता है जितना आपको मिलना चाहिए, या क्या ये इंसान आपके लिए बिल्कुल नहीं?